सो गाइस क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है, कितना दिया 5:4। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया और यहाँ आपसे बोला है कि लॉस परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, तो जाहिर सा बात है यहाँ दिख रहा है कि 5 रुपए का खरीदा हुआ चीज कितना में हम बेच रहे हैं, 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। क्योंकि लॉस परसेंट निकाल रहा है तो हम क्या करेंगे, 1/CP लिखेंगे, CP की जगह पे कितना लिख देंगे, 5 × 100। इसे आप कैंसल आउट करो, 20 टाइम में कर दिया, यानी कि 20% का ये हानि हो रहा है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर 20% लॉस में हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू 20%। ठीक है, चलिए इससे हटाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन सेम है, बस इसका थोड़ा अपोजिट कर दिया है। उसमें आपसे हानि परसेंट पूछा गया है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है 20:21। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। यहाँ हमें दिख रहा है कि 20 रुपये में कोई चीज खरीद करके 21 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ जाहिर है कि 1 रुपये का हमें फायदा हो रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 1/CP लिखेंगे, CP की जगह पर 20 × क्या करेंगे, 100। इसे कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम में ये कट गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 5% का उसके बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से करके। सो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी सीपी और एसपी का अनुपात दिया, सीपी और एसपी का अनुपात दे दिया 10:11। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि 1% का बेनिफिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 1/ क्या कर देंगे, सीपी 10×100। ठीक है, ये 10 से कट जाएगा 10 टाइम में, यानी कि 10% का लाभ हो रहा है। इस तरीके से करके ये बनेगा। चलिए ठीक है,